हेलो दोस्तों, नमस्कार। लालचंद पटेल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके अपने चैनल लालचंद पटेल लर्न मैथमेटिक्स में हम वीडियो लेकर के आए हैं प्राइमरी टीचर दिल्ली अवार्ड में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का से संबंधित वीडियो है। SSB जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ और सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। तो आज हम आप लोगों को प्राइमरी टीचर DSSSB से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए ताकि और लोगों को ये सूचनाएं मिल सके और उसका समुचित उपयोग हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये नोटिस जो है 1 फरवरी 2019 को जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ NCERT ऑफ दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कि DSSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 0 अगस्त 2017 में 4,366 वैकेंसियाँ निकली थी, जिसमें जनरल की 1,610, OBC की 1,286 और SC की 714 और ST की 756 वैकेंसियाँ थी। इसमें PH फिजिकली हैंडीकेप की 288 वैकेंसियाँ थी। इसका जो है कट ऑफ और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मार्क्स पाए हुए कैंडिडेट्स हैं जिनका कट ऑफ उसके अंदर आ रहा है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई होगी। कट ऑफ क्या क्या गया है, कितने कैंडिडेटों का को सिलेक्ट किया गया है या शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और इसमें पूरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस 200 नंबर का क्वेश्चन है सर, इसमें दो पार्ट थे ए और बी, तो दोनों में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क था। तो जिन लोगों ने दोनों में अलग अलग मिनिमम क्वालिफाई किया है उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका है कि अलग अलग क्वालिफाई करने के बाद टोटल एग्रीगेट नंबर मिला करके जो मेल्ड बन रही है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो ये आपको नोटिस में लिखा हुआ है, सारी बातें आप देख कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी जो है 4,366 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो है 8,673, जिसमें 1,610 जनरल अनरिजर्व वैकेंसी है, जिसमें 3,244 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 1,286 OBC की वैकेंसी है, जिसमें 2,576 शॉर्ट लिस्ट है और SC का 714 है, जिसमें 1,432 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है। इस तरह ST की भी ये दिया हुआ है और पिछली हैंडीकेप के लिए भी दिया हुआ है, और मतलब जितने वैकेंसी है उसका 2 टाइम शॉर्ट लिस्ट किया गया है कैंडिडेट को। और जो यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है, ये जनरल का जो कट ऑफ है 117.52, OBC का है 98.5 और SC का है 94.23 और ST का है 60.72 और फिजिकली हैंडीकेप के दो अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें ऑर्थोपोडिकली हैंडीकेप और विजुअल हैंडीकेप दोनों के अलग अलग कट ऑफ है। एक का है 88.17, दूसरे का है 60.98। तो ये थी कट ऑफ प्राइमरी टीचर के लिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको है वो ये है कि जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन लोगों का यहाँ पर डोसियर लिंक दिया गया है, जिस पर कि 10 दिन के अंदर 5 फरवरी से 14 फरवरी 2019 तक के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर इस लिंक पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाते तो आपको
कैंडिडेचर के रूप में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको ये ई डोसियर लिंक जो प्रोवाइड किया है वेबसाइट पर, उस पर 5 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में जा करके जिन लोगों को ने शॉर्ट लिस्ट किया गया है या जिन लोगों का मार्क्स कट ऑफ के अंदर आ रहा है, वे लोग इस पर जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें या जो भी प्रक्रिया है उनको पूरा कर दें, अन्यथा उनको कैंडिडेट या उनकी जो अभ्यर्थना है वो निरस्त समझी जाएगी। और जो लोग कोर्ट जिन पर कुछ जो केस चल रहे हैं उनका यहाँ पर दिया हुआ है कि द एबव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉलिंग ऑफ ई डोसियर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी अंडर द पोस्ट 16/17 एंड 01/18 ऑफ MCD इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ वेरियस पेंडिंग कोर्ट केसेज। ये जो कोर्ट के दिन पेंडिंग जो है इनके अधीन ही आपके जो वैकेंसी होगी वो होगी, मतलब इन कोर्ट के जो फैसला आएगा उसके अनुसार ही आपके सिलेक्शन पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये देखिए ये सारे केस के जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स में वेबसाइट पर जा करके अपलोड कर दें ताकि उनको फाइनल सिलेक्शन जल्दी से हो सके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।